बात बात पर रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं आपके घर के लिए शुभ है या अशुभ, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ विशेष निशानियां, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों ज्यादा चीखने चिल्लाने और रोने वाली महिलाएं कैसी होती है, अगर आप इस बात को जान लेंगे तो शायद आप रात में नहीं सो पाएंगे, हो सकता है आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। ऐसी औरतें थोड़ी अजीब होती हैं। ऐसी औरतें किस तरह से आपके लिए भाग्यशाली है, यही हम जानेंगे आज। दोस्तों हिंदू धर्म में स्त्री को घर की महिला का दर्जा दिया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई है। चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो खासियत जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए लकी बनाती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर एक, गुलाबी पांव। ऐसी महिलाएं जिनके पैर बहुत सॉफ्ट रंग में गुलाबी और पूरी तरह विकसित होते हैं, अपने पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती हैं। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका साथी उनसे हमेशा नजदीकी बनाए रखता है। नंबर दो, पांव की उंगलियां। जिस महिला के पांव की हर उंगली समान लंबाई की होती है, वो महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। नंबर तीन, पैरों के तलवे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है, वो बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती है। वो अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती है और परिवार में खुशहाली रखती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि फटी हुई एड़ियां घर में दरिद्रता लाती है। दरअसल दोस्तों जिन महिलाओं के पैरों के तलवे और एड़ियां एकदम सपाट और सुंदर होती हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर चार, तलवों पर शंख। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र के शुभ निशान अगर बने हों तो महिला किस्मत की धनी होती है। या तो वो स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े औहदे पर विराजमान होते हैं। नंबर पाँच, नाक के पास तिल। महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। दोस्तों नंबर छह, नाभि। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर सात, पैर का अंगूठा। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है, वो स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। दोस्तों नंबर आठ, गहरी नाभि। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी तो होती है लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई होती है, वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती है। नंबर नौ, कोमल जीभ। लाल और कोमल जीभ वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती है। नंबर दस, बड़ी बड़ी आंखें। हिरणी की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वो अपने परिवार के लिए बहुत ही लकी होती है। नंबर 11, शरीर पर तिल। जिस महिला की देह के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती है। नंबर 12, माथे पर तिल। जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 13, धूल उड़ाना। महिला जब चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 14, गोल एड़ियां। जिस महिला के पांव की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है, वो आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद लेती है, उसका परिवार भी उससे प्रसन्न रहता है। नंबर 15, दांत।
लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर दांत मुंह से बाहर आते हैं तो ऐसी महिलाएं घर के लिए लकी होती है, पर उन्हें खुद के लिए जीवन में कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता। नंबर 16, उंगलियों का जुड़ना। जिस महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती है। नंबर 17, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, वो महिला खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुफ्त उठाती है। वो बहुत अच्छी कुक भी होती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है। नंबर 18, चमकते नाखून। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती है। नंबर 19, दुर्भाग्यशाली। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है, वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए। नंबर 20, आइए अब जानते हैं कि बात बात पर रोने वाली महिलाएं आपके लिए कैसी हो सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री बहुत ही नाजुक गुड़िया के समान मानी जाती है। ऐसे में चाणक्य कहते हैं कि बात बात पर रोने वाली महिलाओं का चरित्र थोड़ा सा अजीब होता है। आइए चाणक्य इसके बारे में क्या कहते हैं जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, चाणक्य कहते हैं महिलाओं के अंदर सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री बात बात पर रो पड़ती है तो उसकी आपको कदर करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली मानी जाती है। दोस्तों, नंबर 2, चाणक्य के अनुसार जो स्त्री बात बात पर रो देती है, वो अपने प्रेमी से कभी भी दूर नहीं होना चाहती। ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत ही शुभ और अच्छी मानी जाती है। इनका दिल कोमल होने के साथ ही हर किसी की भावनाओं की कदर भी करता है। ऐसी स्त्रियों को कभी भी खोना नहीं चाहिए। गलती ना होने पर भी जो स्त्री रो पड़े, उसके अंदर ममता फूट फूट कर भरी होती है, जो आपके लिए अच्छी है। दोस्तों, नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के रोने व चिल्लाने से कई तरह की घातक बीमारियां खत्म हो जाती है और रोने से मन हल्का भी हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक रोने से तनाव आदि भी खत्म होता है। दोस्तों, नंबर 4, बात बात पर रोने वाली महिलाएं हर किसी के भाग्य में नहीं होती। इनका हृदय नाजुक गुड़िया के समान है। रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोड़ती, फिर चाहे अपना दिल ही तोड़ना क्यों ना पड़े, लेकिन ये दूसरों की भावनाओं की कदर अच्छे से करती है। ज्यादा रोने वाली महिलाएं खुद भूखी रह जाती है, लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ज्यादा रोने वाली महिलाएं किसी भी तरह से घातक नहीं होती। अगर इनके दिल में झांक कर देखा जाए तो बहुत ही गम भरा होता है और आपको इनकी कदर करनी चाहिए। ऐसे में आपको इनका मान सम्मान करना चाहिए। इनका दिल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी महिला का दिल तोड़ना पाप के समान माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं आपका विनाश भी कर सकती है। ऐसी महिलाएं आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई महिला गलती करने के बावजूद भी रोने और चिल्लाने लगे, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार ऐसी महिला चालाक और चतुर मानी जाती है। इनकी ऐसी चालाकी और चतुरता आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। हमेशा आपको ऐसी महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। बिना मतलब का रोना भी बर्बादी का कारण माना जाता है और घर में किसी की मृत्यु भी इससे हो सकती है, इतना घातक आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।